सब अंकल को सलाम करो, सलाम अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मुझ के यूट्यूब चैनल से आपका अपना दोस्त नदीम असगर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज माजरत चाहूँगा, 8:30 का टाइम था और ऑफिस से लेट आया हूँ, जिस वजह से जो है ना वो कल जो टाइम दिया था उस हिसाब से जो है ना वो टाइम पे पहुंच नहीं सका, क्योंकि मैं आज तकरीबन 1.5 माह के बाद ऑफिस गया था तो काम शाम काफ़ी ज़्यादा था, जिस वजह से जो है ना वो आज अपने टाइम पे नहीं आ सका। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो आपने पढ़ी लिया, वो ब्रीडर जोड़ा लगाना और ब्रीडर जोड़े के जो अहम पॉइंट्स हैं। आज शहरयार साहब सोए नहीं, अभी बाबा के साथ हैं तो आज अंकल के साथ बातें शहरयार भी करेगा, ठीक है जी। राव फरत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफताब हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम जी। माही साजिद साहब कैसे हैं वीर जी? मैं ठीक हूँ। राना वहीद साहब क्या हाल है? राना साहेब ठीक है आप? मोहसन अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। फिजान जट साहब उस्ताद जी क्या हाल है आपके? ठीक हैं। अहमद खान साहब भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अहमद भाई। मियाँ अफनान भाई अस्सलाम वालेकुम। चंदू भाई क्या हाल है? चौधरी माजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैयद मेहदी जाफरी साहब क्या हाल है? वालेकुम सलाम। रमन भाई क्या हाल है आपके? ठीक हैं। जुल्फकार हाली पोतो सलाम उस्ताद। वालेकुम सलाम जुल्फकार भाई, आप कैसे हो? अहमद बादशाह वालेकुम सलाम। उस्ताद चौधरी लुकमान अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नवीद अली भाई अस्सलाम वालेकुम जी। रमन भाई वालेकुम। भजन कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ रमन भाई, आप सुनाओ कैसे हो? सुकलैन अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सुकलैन भाई। अहमद बाजा हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाफ स्माइलर साहब सलाम अलैकुम। नवीद अली भाई सलाम अलैकुम। रजा राजपूत साहब मैसेज का रिप्लाई नहीं क्यों करते आप व्हाट्सएप पे? रजा भाई मैंने आपको बताया कि मैं तकरीबन 1.5 माह के बाद ऑफिस गया था, जिस वजह से जो है ना आज मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, इस वजह से जॉब अगर नहीं दे सका मुझे बात कर लेने दो अंकल से। हाँ मैंने करनी है आप। अच्छा चलो अच्छा अच्छा कर लेते हैं ना, ठहर जाओ दोस्तों एक मिनट बस। शहरयार साहब आज जाग रहे हैं तो फिर बात कैसे होंगे जी। शहरयार नदीम साहब क्या हाल है? नादिर खान साहब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुकलैन अब्बास साहब माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह। बीबा किंग बीबे चाचू बीबा पूछ रहा है शहरी क्या हाल है जी। बासत सलीमी साहब बीबा किंग क्या हाल है जी? हाँ मैंने चाय पी ली है। हाँ जी बासित भाई ग्रेट सर जी थैंक यू। राना शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब क्या हाल है? रौफ मुनीर साहब क्या हाल है? शेख रौफ मुनीर आप गुजरात कैसे हैं आप? ठीक हैं। राना शहजाद साहब कैसे हो? ठीक हो। मोहम्मद इकरम भाई क्या हाल है भाई जान? मैं ठीक हूँ। वैस खान साहब जीजू शाह साहब वालेकुम सलाम। रौफ मुनीर वालेकुम सलाम। लल्ला जी रौफ मुनीर साहब क्या हाल है आपके? निसार अहमद भाई राव फरत भाई कैसे हैं? सुकलैन खान साहब नदीम अहमद साहब वानी इरशाद साहब वालेकुम सलाम। कासम मुगल साहब रमन बाबा राजा जामीन साहब राजा साहब क्या हाल है आपके? ठीक है। रमन बाबा भाई मेरे कबूतर ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। ठीक हो गया भाईजान, ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो इलाज भी मिल जाएगा आपको। आपको कोई इलाज की ज़रूरत है? आप तो खुद बाबा एलोपैथी है, जो काम आप करते हो हमसे ज़्यादा साल्ट्स वगैरह के मुतालिक जानते हो। तो बीबा किंग A1 आप सुनाओ जनाब कैसे हैं? बीबी ठीक ठाक। रजा राजपूत साहब मेरे पास 3 फीमेल हैं, टैडी मेल
कौन सी नस्ल का लगाऊं, टैडी मेल नहीं है, भाईजान लाला का कोई भी पेयर लगाए उसके साथ, टैडी हर ब्लड लाइन में काम करते हैं। नबील खान साहब वालेकुम सलाम, नबील भाई आप सुनाओ कैसे हो। अच्छा दोस्तों ज़रा जो दोस्त इस वक्त लाइव वीडियो के अंदर मौजूद है, नहीं करो ऐसे अंकल डिशू करेंगे, जो दोस्त इस वक्त लाइव वीडियो के अंदर मौजूद है काइंडली ज़रा वीडियो को शेयर करते जाए, फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करें, फिर इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा, क्योंकि आज टाइम दिया हुआ था 8:30 का लेकिन मैं अपने टाइम से आउट हो गया, ऑफिस से लेट आया हूँ, फिर आगे परिंदों को कुछ दाना भी डालना था और दवा दारू भी करना था इसलिए टाइम लग गया, इसलिए माजरत चाहता हूँ। ज़रा काइंडली शेयर कर दें, सरदार सुमरू साहब तस्वीर वाली फ़ीमेल चाहिए आपके पास है, सुमरू साहब मेरे पास सारे ही हैं लेकिन मिल जाएगी। नवीद अली भाई थैंक यू, सईद अकबर साहब, राजा जमील भाई अस्सलाम वालेकुम, नदीम भाई कैसे हो माशाल्लाह जी, नदीम भाई अल्लाह आपको और आपके बेटे को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, थैंक यू। शायर यार बात कर लेने दो ना यार, बेटा नहीं मेरा, अच्छा मेरा काइंडली शेयर कर दें दोस्तों फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। आज शायर यार शरारतों के मूड में है, मिस्चीवियस मूड में है। चलो 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 मुझे बात करने दो भाई, भाई मेरे कबूतरों की पोट में ज़ख्म हो गए हैं, कैसर मुगल साहब कबूतरी अंडे से बंद हो गई है, कोई दवाई बताएं। इफ्तिखार अली सियाल साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों बस एक मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा शरियार साहब को बिज़ी कर लूँ, दूसरा मोबाइल पे से पॉइंट्स लगा के दूँ, तो बस दो मिनट दें मुझे प्लीज़, दो मिनट सिर्फ। आप ट्रेन देखें, बाबा अंकल से बात कर लेते हैं, ठीक है जी। माजरत दोस्तों शहरयार साहब आज बात नहीं थे थोड़ी सी करने दे रहे, लेकिन फिर भी चलें ज़रा काइंडली शेयर मार दीजिएगा। ख्वाजा अब्दुल वहाब साहब, शयान काजमी भाई, इफ्तिखार अली सियाल भाई, कबूतरी अंडों से बंद है कोई दवाई बता दें। भाई जान बिल्कुल आसान सा फार्मूला है, सीकोन और फोलिक की दो गोलियाँ एबिड कंपनी की लेने, मेरा आजमूदा फार्मूला है सीकोन और फोलिक दो गोलियाँ आजमा के देखिएगा, इंशाल्लाह 110% जो कबूतरियों को रसौली नहीं बनी होती उन वो कबूतरियाँ सारे के सारे अंडे देंगी। लाजमी रौफर साहब आपसे बात कर रहा हूँ, सीकोन और फोलिक की एबिड कंपनी की गोलियाँ मिलती हैं, दोनों अलहदा अलहदा शीशी में होते हैं और बड़ी गोली होती है इतनी सी, चार चार इसे कर लीजिएगा और सुबह शाम दोनों गोलियों में से चौथा चौथा हिस्सा दे, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे जी। इफ्तिखार सियाल साहब, काजमी साहेब, ख्वाजा अब्दुल वहाब साहब वालेकुम सलाम, अदील अली भाई, रमन बाबा मुझे कहीं को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, रमन भाई समझ नहीं आ रही, दोबारा मैसेज करो ना क्या कह रहे हो, ट्यूबरक्लोसिस आपको हो गया, अल्लाह माफ़ करे। नसीम अरशद भाई वालेकुम सलाम, नसीम भाई किधर गायब हो यार, अब तो बिल्कुल गायब हो गए। फियाज़ अहमद भाई क्या हाल है, सरदार सुमरो क्या प्राइस होगी, भाईजान प्राइस प्राइस ही होती है, जब आपको चाहिए होगी आपको बुला लूँगा, आ जाइएगा भाई, मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो, खुदा का खौफ खाओ यार, अल्लाह ज़िंदगी दे आपको। इफ्तिखार अली सियाल साहब पैर सूज रहे हैं कबूतरों के, उसकी वजह और दवाई थैंक्स। इफ्तिखार अली भाई एक बात जहन में रखिएगा, कबूतरों के इन दिनों में ऐसे जैसे बर्फ़ में लगे होंगे आपके कबूतरों के पर, अभी जाके खुडे में देख लीजिएगा, आपके कबूतरों के जो पंजे हैं वो ठंडे होंगे लाजमी तौर पर, 110% बात है ठंडे होंगे, जिस वजह से कबूतरों के पंजे सो चुके हैं। नदीम अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अच्छा दोस्तों आपके जो मैसेजेस हैं वो मैं साथ साथ जवाब देता रहूँगा, लेकिन आज का जो बेसिक टॉपिक है वो टॉपिक है कि ब्रीडर जोड़ों के जो अहम पॉइंट्स हैं वो कैसा होता है और किस तरह लगाना चाहिए, किस तरह की नर मादा, किस तरह की मादा हो, किस तरह का नर हो। रमन भाई सारे दोस्त ज़रा काइंडली शेयर कर दे, क्योंकि मैं टाइम से ऑटो आज हुआ हूँ तो इसलिए दोस्त जो है ना वो मिस हो जाएंगे, टॉपिक आज का अच्छा है,
काइंडली ज़रा जो है वो शेयर कर दे फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सकें। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा जो ये पेज है नदीम असगर थीम के नाम से, इस पेज को लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर ले, ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है वो मिलती रहे, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरा कबूतरबाजी के राज और रमूज यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा, आपको हर तरह की दवाई मिलेगी वहाँ पे, मतलब दवाई पिजन्स की मेडिसन्स के मुतलिक, जोड़ा लगाने के मुतलिक, ये सारी बातें जो है ना वो उसमें वाजह तौर पर प्रैक्टिकल करके मैंने शेयर किया हुआ। फेसबुक पेजेस पे बाज़ का होता है कि लाइव आना होता है रात को, तो इस वजह से वैसे भी मौसम थोड़ा सा ठंडा चल रहा है, तो ऊपर परिंदे टाइम से बंद हो जाते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा बाज़ का तो आपको जो परिंदे नहीं दिखा पाता। तो जख्म नदीम भाई पोट में जख्म है भाईजान, एंटामिजोल सिरप इस्तेमाल करें, कबूतरों की पोट में जख्म है तो अगर एंटामिजोल सिरप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसका बेहतरीन आला है, लेकिन एक लिमिट के साथ जो है ना वो तरीके के साथ आपको जो है ना वो दवाई देनी पड़ेगी। सबसे पहले कबूतर की जो पोट है उसको साफ कर लीजिएगा, साफ करना है कि कम से कम 40 से 50 cc वाली जो बड़ी सरिंज है वो भर के पोट में मारनी है प्रेशर के साथ, ताकि अंदर जो गंद मंद और जो भी जहर होगा अंदर से जब उसे साफ करेंगे वो वाश हो जाएगा और परिंदा वैसे ही तकरीबन 50% ठीक हो जाएगा। एंटामिजोल का जो सिरप है उसमें से 1 cc सुबह और 1 cc शाम को दें, इंशाल्लाह एक आध दिन में फाका हो जाएगा। और इसके अलावा पोट का बेहतरीन इलाज जो मैंने कल भी बताया था आज भी बता देता हूँ, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच नारदाना और 100 ग्राम काला गुड़ लेके जो है ना इसको मिक्स कर लीजिएगा, अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन पाउडर बना लीजिएगा बाद में, फिर गुड़ मिक्स कर लीजिएगा, तो उसे बवक्ते ज़रूरत उसे इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह फाका होगा। राफरत भाई थैंक्स, इफ्तार अली भाई जी हाँ, उस्मान अवान साहब सलाम अलैकुम, हाँ भाई इम्तियाज़ खान साहब, रमन भाई मैं आपको फारिग होकर कॉल करता हूँ, लाइव से फारिग होकर ना कॉल करता हूँ। राना वेद साहब, उस्ताद जी माशाल्लाह, इम्तियाज़ खान साहब, फयाज़ अहमद भाई, गुजैर रहमान साहब ग्रेट उस्ताद जी, अब्दुल जब्बार खान साहब सलाम अलैकुम। अच्छा दोस्तों, तो बात मैं कर रहा था ब्रीडर जोड़ा लगाने के लिए। अमूमन देखें मेरी ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोगों को बाज़ औक़ात समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ आती हैं तो वक्त गुजर चुका होता है। एक बात याद रख लीजिएगा, बारीक पर का, बहुत ज़्यादा बारीक पर का कबूतर जोड़ों में ना लगाया करें। कबूतरों की जो प्रेल होती है उस पर बहुत ज़्यादा इन्हसार किया करें, कबूतरों की जो परेल होती है। अब परेल क्या होती है इससे बात करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं, और उसके अलावा दूसरे जो टॉपिक है जितना आज हो सकेगा वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उजार रहमान साहब ग्रेट उस्ताद जी थैंक यू, अब्दुल जब्बार साहब, डेविड लहरी साहब, तासीर ढिलू साहब, हाँ जी पाजी की आले ढिलू साहब, सरदार सुमरो, चौधरी साहब वाले टैडी में कौन सी ब्रीड अच्छा उड़ती है, चौधरी साहब वाले ओरिजिनल टैडी कबूतर मिल जाए तो क्या ही बात है, अच्छे कबूतर है वो हर जगह पे काम कर जाते हैं। जो बेसिकली टैडी कबूतर है, टैडी कबूतर हर ब्लड लाइन में काम कर जाता है, ये ऐसे अल्लाह ताला की ज़ात ने कबूतर बना दिए हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, इसलिए इसे जिस भी ब्लड लाइन में काम करेंगे ये काम करेंगे, ठीक है, लेके जाएँ काम करेंगे। लेकिन कोशिश करें जिस भी ब्लड लाइन में लेके जाएँ टैडी कबूतरों को, उनकी जो ज़मीन है वो उसका रंग चेंज ना होने दीजिएगा, फिर रिपीट करने लगो। टैडी कबूतरों को जिस मर्जी ब्लड लाइन में ले जाए काम करेगा, लेकिन उसकी जो जमीन है ना ऑफ वाइट कलर या सफेद कलर वो चेंज ना हो। जो आंख की जमीन का रंग जब चेंज करते हैं तो तब कबूतर जो है ना वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो इस बात का ख्याल कर रख लीजिएगा। रजवान राजपूत साहब थैंक यू, जायद अब्बासी क्या हाल है तेरे अब्बासी, तसीर डिल्लू, अतीक खान साहब जी, नाना राजा साहब, मोमी बरवाना, वाह जी वाह बरवाना साहब, बड़े दिनों तो बाद शक्ल वहाइए, तुसी कितने गायब हो गए, सो खैर तो है सी ना, सब खैरियत सी। मैं वैसे परसों सोचता सी पिया कि मोमी बरवाना कितने गायब हो गया, काफ़ी दिनों के बाद आज अपनी शक्ल दिखाई। वाज रजा साहब, मासूम राजपूत साहब पट्टी वाले कबूतरों की 9-10 कली का मकसद क्या? अब भाई बात मकसद जो 9-10वां 9-10वां पार होता है उसका मकसद एक ही होता है, अभी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ब्रीडिंग के मुतालिक है, ब्रीडर जोड़ा लगाने के मुतालिक वही डिस्कस करेंगे। जी अदनान जी अस्सलाम वालेकुम, सोनी लियोन अस्सलाम वालेकुम, इस्माइल खान साहब अस्सलाम वालेकुम। काइंडली दोस्तों जो दोस्त इस वक्त मेरे साथ हैं, काइंडली ज़रा वो
फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर लाजमी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैंने आज टाइम जो दिया था वो 8:30 बजे का था और ऑफिस से लेट फारिग हुआ जिस वजह से 10 बजे लाइव आया हूँ, तो इसलिए ज़रा शेयर कर दे चाहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पता चल सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक जो मेरा ये पेज है जिससे मैं इस वक्त लाइव हूँ उसे लाइक नहीं किया हुआ तो वो काइंडली लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। सर कॉल पे बात करना चाहता हूँ। रज़ा राजपूत साहब, आप मुझे फारिग जो ही मैं होता हूँ तो फ़ौरन कॉल कर लीजिएगा, मैं रिसीव करता हूँ आपकी कॉल, ठीक है। अभी कर लेना भाई, जब ये लाइव ख़त्म होता ना तब कर लेना। राना साजिद साहब, अदील अकबर भाई, कल भाईजान आपने बताया नहीं, अदील भाई क्या पूछा था दोबारा पूछ ले, मैं बताता हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब, सर वेरी नाइस, सोनी लेवन, वालेकुम सलाम। नदीमा भाई, उस्ताद जी एक जोड़े के 2 बच्चे उड़े हैं, 2 ना उड़े हैं, ऐसा क्यों होता है भाईजान? पलाई का फ़र्क पड़ जाता है बाज़ुकात, और बाज़ुकात कोई हमसाया भी दा लगा जाता है। मोमी बरवाना जी, उस्ताद जी क्या हाल है? नफीस गुजर साहब, सैयद साजिद सलीम साहब, वालेकुम सलाम। मुज़र रहमान साहब, उस्ताद जी टॉपिक पर आ जाओ भाई जान, उसी पे आने लगो इंशाल्लाह आज। बोबी बोबी साजन, वालेकुम सलाम। काइंडली ज़रा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जितने दोस्त शामिल हो जाए वही बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही शानदार है। आज जो है ना वो मैं कोशिश करूँगा जितनी देर भी आप लोगों के साथ बात करूँ जो ब्रीडिंग टॉपिक होता है उसी के ऊपर रहूँगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा आप भी जो सवालात होंगे ना वो आपके, वो भी ब्रीडिंग के मुतलिक हो, जोड़ा लगाने के मुतलिक हो, जोड़े की परख के मुतलिक हो, कबूतर की परख के मुतलिक हो, ठीक है। नदीमा अहमद साहब पूछ रहे हैं, एक जोड़े के 2 बच्चे भाई जान, ऊपर जवाब दिया आपको। सरफराज खान साहब क्या हाल है? अच्छा दोस्तों, बेसिकली तो उधर से नहीं, मम्मा से ले लो। अच्छा चले नीचे उतरे आप। अच्छा जी नीचे उतरेंगे, मैं निकाल के देता हूँ जी। आज शरी साहब की फरमाइशें भी साथ साथ चल रही, क्या आया उधर? अच्छा दोस्तों, जितना मुझे अपने कबूतरों से प्यार है मुझे अपने बच्चे से भी बड़ा प्यार है, इसलिए उसकी फरमाइशें मान लेता हूँ बाज़ों का। अच्छा जी बता तो मुसाएगा मुतलिक। अच्छा सरफराज खान साहब, मलिक फरक साहब, इमरान भाई, नदीमा अहमद भाई, हमेशा हमसाया का मतलब, हमसाए का मतलब यह है कि भाई बाजू का जो ना कबूतर जब जोड़ लगाता है हमारे खुड्डों में कबूतर ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ब्रीडिंग सेटअप होता है एक खुड्डे के अंदर एक कबूतर एक जोड़ा ही होना चाहिए। तो बाजू का जोड़ जब कबूतर करता है तो भाग के आगे दा लगा जाता है, इसका मतलब है कि हमसाया भी दा लगा जाता है। अकरम भुट्टा साहब, सर फ़कीर गुल के साथ कौन सी मादा लगाऊँ? अकरम भुट्टा साहब माशाल्लाह आपके पास फ़कीर गुल साहब हैं, जो मर्जी मादा लगाओ, मैं उसके ऊपर नो कमेंट्स कमेंट्स नहीं करूँगा। इसलिए नहीं कमेंट करूँगा, देखो मैंने फ़कीर गुल कबूतर देखी नहीं, एक दूसरा मैंने अपने कबूतरों में वो कबूतर डाले नहीं, दो तीसरा वो कैसे कबूतर बने हैं मुझे पता नहीं, इसलिए ये बात मैं क्लियर कट करूँगा। जो बात मेरे इलम में होगी वही डिस्कस कर दो, किसी दूसरी चीज़ की डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो फ़कीर गुल के बारे में मुझे पता ही नहीं है वो क्या ब्लड लाइन है, कहीं उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे। आज तक कहीं मैं कराची भी घूम आया हूँ, यहीं लियारी के साथ ही जो है वो मेरे मामू की छतें हैं, 2-3 कट्टी छतें हैं उनकी भी, तो मैंने फ़कीर गुल कहीं उड़ते देखे नहीं हैं, इसलिए मैं इनके बारे में कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। जिनके कबूतर हैं वही जाने, जिनको पता है जिन्होंने बनाए हैं वही जाने, इसलिए मैं नो कमेंट्स प्लीज़। और फील नहीं करना अकरम भुट्टा साहब। उस्मान अवान साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, सर मैं अल्ताफ फ्रॉम कश्मीर इंडिया से, जी वेलकम। अदील अकबर भाई, मेरे कबूतर बीमार हैं, कोई इलाज बताओ। इंशाल्लाह बताता हूँ, अभी पहले मुझे टॉपिक पे रह लेने दें। अच्छा दोस्तों, बेसिकली जो पहले 10 पार हैं, पहले 10 परों की अफादियत का मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ और कैसी होने चाहिए। दोस्तों जो पहले 3 पार हैं, पहला दूसरा और तीसरा, इन 3 परों के ऊपर बात करते हैं कि कैसे होने चाहिए। अब पहले जो 3 पार हैं, कुछ कबूतरों के पर बिल्कुल सीधे होते हैं ऐसे स्ट्रेट, एक पॉइंट। कुछ कबूतरों के पर जिसे हम तलवार पर होते हैं ऐसे कुब वाले, 2 पर। बाहर वाले 3 परों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी परों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आपके जो मैसेज है वो मैंने अभी रोके हुए हैं, उनका जवाब बाद में देता हूँ। 3 पर, और उसके बाद 1 पर होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं ऐसे करके, कर्व उनका बाहर की तरफ होता है। इन 3 परों में
रिपीट करने लगूं, एक सीधे पर, कर्व वाले पर, और ऐसे बाहर की तरफ, जो बाहर वाले तीन पर होंगे उनको गौर से देखिएगा, उनका जो ऊपर वाला झुकाव है ना वो बाहर की तरफ होता है। जो बाहर निकलते पार होते हैं वो कौन से होते हैं मैं आपको वो बताने लगूं, और वही पर अच्छा होता है। बाहर निकलते पार बिल्कुल नीचे से उनका रुख भी जो है ना वो बाहर की तरफ होता है, लेकिन ऊपर जाके आप गौर करके देखिएगा उन परों को बिल्कुल बाहर निकलते होंगे। अब बेसिकली जो बाहर ऊपर वाले पहले तीन पार होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम सिर्फ ये होता है कि उन्होंने जब कबूतर को हम बाहर छोड़ते हैं तो कबूतर बाहर छोड़ते पर मार के ऊपर जो चला जाता है ना आसमान की एक लिमिट में जहां जाके उसने स्टे करना होता है वहां तक इन तीन परों का काम होता है। उसके बाद आ जाते हैं तीन पार हो गए, अगले जो चार पार हैं यानी कि चौथा पांचवा छठा और सातवा, फिर रिपीट करना हूं, पहले तीन परों का काम ये होता है कि कबूतर परवाज के लिए पर मार के जब आसमान की तरफ जाता है और एक लिमिट पे जाके जब कबूतर रुकता है तो वहां तक इन बाहर वाले तीन परों का काम खत्म हो जाता है। फिर आगे काम शुरू होता है चौथे पांचवें छठे और सातवें परों का। अब ये जो अगले चार पार हैं इन चार परों का काम होता है एडजस्टमेंट, अपने एक पॉइंट के ऊपर जाके रुक जाना और अपने आप को अपने घर की जो लिमिट होती है, अपना जो दायरा होता है, जो उसने चक्कर बनाना होता है, उस चक्कर के अंदर बाउंड रखना उन चार परों का काम होता है। और उसके बाद अगले जो तीन पार होते हैं, अगले जो तीन पार होते हैं उनका काम है लॉक, ताला लगाना, जंदरा लगाना, मजबूती से पकड़ना, ये काम होता है पहले दूसरे और तीसरे पार का, ठीक है, जो बगल के साथ होते हैं उनका काम होता है सिर्फ लॉक करना। अब लॉक किसको वो करते हैं, जो पहले तीन पार होते हैं बगल के साथ वाला, पहला दूसरा और तीसरा, वो पार बगल को और जो मेन पार होते हैं दस पार होते हैं उनको तरतीब वाइज रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कबूतर की बगल और साथ वाला जो पार होता है उनमें बाजुकात ऐसी वी सी बनती है, वो कभी भी जिनमें वी बन रही हो वो कबूतर जाया होने ही होते हैं, चाहे वो एक दिन पहले हो जाए, दस दिन बाद हो, दो महीने बाद हो, परवाज में उन कबूतरों ने जाया ही होना होता है, ये पढ़ी लिखी बात होती है। पहला पार जो बड़े दस पार हैं उनमें से पहला पार बगल से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात मेरी लिख लो, जो साझा क्राम है ये उन कबूतरों की बात कर रहा हूं जो आपने जोड़ों में लगाने हैं, जिनसे आपने आगे परवाजी कबूतर बनाने हैं। फिर रिपीट करने लगूं, इन परों की बनावट बाद में बताता हूं। पहले जो तीन पार होते हैं पहला बगल के साथ, पहला दूसरा और तीसरा, इसका काम होता है सिर्फ लॉक करना, और अगर पहला पार बड़ा होगा तो बगल छोटी हो जाएगी। जिस कबूतर की बगल छोटी होगी, झूठ बोलते हैं लोग कि छोटी बगल वाले कबूतर शाम तक उड़ते हैं, छोटी बगल वाला कबूतर शाम तक उड़ ही नहीं सकता, इसलिए जो पहला पार है वो बगल के बराबर हो जाए या बगल बड़ी हो जाए। अगर पहला पार बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये फितरी सा अमल है, पहला पार बड़ा हुआ तो बगल छोटी हो जाएगी, बगल बड़ी होना लाजिम है। दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, हाई फ्लायर कबूतरों की क्वालिटी में जब भी बात होगी, बगल बड़ी होगी तो वो चैंपियन होगा, बगल बड़ी नहीं होगी तो चैंपियन नहीं होगा। तो आप लोगों को पता है कि मैं मुख्तलिफ छतों पे चैंपियन छतों का जो है ना वो शौक करके आया हूँ, करवाता भी हूँ और आप लोग देखते भी हो। तो उन कबूतरों के जो चैंपियन कबूतर होते हैं उनकी बगलें बड़ी होती हैं। झूठ बोलते हैं लोग कि छोटी बगल का ये करेगा वो करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला पर जो बगल के साथ वाला है वो बगल से बड़ा हो गया तो बगल छोटी हो जाएगी। फिर रिपीट कर लो, पहला पर बगल का बगल से छोटा हो गया तो बगल छोटी हो जाएगी। पहला पर बगल का बगल से बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा हो गया, कुछ असाजा क्राम कहते हैं कि पहला पर जो है ना वो बगल से बड़ा होना चाहिए, भाई बगल से बड़ा हो गया तो बगल छोटी होगी ना, फिर आप लोग कहां से लाओगे, कैसे साबित करोगे कि बगल बड़ी है। बगल बड़ी तब होगी जो पहला पर बगल से बड़ा ना हो, तो फिर कहने लगो इस पॉइंट को कभी भी ना छोड़िएगा। अब दोबारा आ जाए बगल की तरफ बाद में आता, अब दोबारा आ जाए पहले दस परों की तरफ। अब एक बात जेहन में रख लीजिएगा, मैंने जितने भी चैंपियन कबूतर देखे हैं जहां जहां भी देखे हैं, बारीक परों वाला जो बाहर वाले तीन पर है वो दरमियाने होते हैं चैंपियंस कबूतरों के, जो चैंपियन होते हैं जो शाम की आठ आठ घंटे की शाम को आठ आठ बजे तक भी जेठ में बैठते हैं, उनके कबूतर पर बिल्कुल बारीक नहीं होते,
दरमियाने पार होते हैं, उनकी तीली जो है ना वो बिल्कुल, और ये जो मैं साथ साथ पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये आप लोगों को पॉइंट ब्रीडर कबूतरों के बता रहा हूँ, और नर और मादा के कैसे होता है ये मैं बाद में बताता हूँ। जो बाहर वाले पार है वो बारीक, बिल्कुल बारीक, कुछ साझा क्राम कहते हैं कि बिल्कुल बाहर वाले पार बारीक होने चाहिए। बारीक पार का तेज पार के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं, बारीक पार कभी भी तेज पार नहीं हुआ, ये भी जेहन में रख लें। तेज पार क्या होता है वो मैं इंशाल्लाह आपको किसी दिन जब मेरे हाथ में कबूतर होगा, लाइव बैठूंगा अपनी छत पे छुट्टी वाले दिन, फिर आपको बताऊंगा कि पार के अंदर जो पर की तेजी है वो क्या होती है। अब कल की बात है, एक दोस्त पूछ रहा था, उस्ताद जी हमें लगड़ इस्लामाबाद में बहुत तंग करते हैं। भाईजान जब लगड़ बेरी बाज उन्हीं कबूतरों को पकड़ता है जिन कबूतरों के परों के अंदर सकत नहीं होती, और जो पॉइंट या निशानी मैं बताऊंगा दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, अगर मैं गलत हूँगा तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, जो पॉइंट बताऊंगा परों के अंदर तेजी बारीक पन की वजह से नहीं होती, बारीक पन की वजह से नहीं होती। अब आ जाते हैं जो पहले तीन परों, सॉरी दसवें नावें और आठवें पर की तरफ। कुछ कबूतरों का दसवां पर बड़ा होता है, नावा उससे छोटा और आठवां उससे छोटा था, वो कबूतर आसमान में बड़ी जल्दी से चले जाते हैं, और जो कबूतर आसमान में बड़ी जल्दी से जाए उसके चांसेस भी बड़ी तेजी के साथ जाया होने के होते हैं। कुछ कबूतरों के पर दरमियाने हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल तीनों पर दसवां नावा और आठवां पर बराबर आते हैं, वो कबूतर भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनके भी चांसेस जाया होने के होते हैं। और जिन कबूतरों के पर ऐसे होंगे दसवां और आठवां पर बराबर और नावा पर बड़ा होगा, हमारा पंजाब के अंदर अगर देखा जाए लाहौर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, 50-52 तक भी जाता है, गुजरांवाला सियालकोट हमारा बाजू का थोड़ा थोड़ा ही फर्क होता है, लेकिन जो यहाँ वाले हैं ना तकरीबन गर्म टेम्परेचर में, टेम्परेचर यहाँ पे गर्म होता है, तो जो इस तरह के पर होंगे ना, ये मेरी उंगलियां देख लें, दरमियान वाली उंगली बड़ी, दसवां और आठवां पर जो है ना वो छोटा होना चाहिए। ये कबूतरों की खसलत ये होती है कि ये कबूतर आसमान में हर तीसरे चौथे घंटे के बाद, चाहे वो शाम तक उड़ते हैं, और उड़ते हैं ये कबूतर, हल्की सी झलक जरूर दिखाएंगे। अब जो कबूतर अपने घर की तांग करेगा, अपने घर की तांग करेगा, वही कबूतर वापस आएगा। अब होता यह है कि जब ये कबूतर ऊपर से नीचे आ रहा होता है, नीचे टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, तो कबूतर वापस मौसम देख के ऊपर चला जाता है, ठीक है। जिनका पर नावा बड़ा होगा, दसवां आठवां बराबर होंगे, वो कबूतर हमेशा हर तीसरे या चौथे घंटे के बाद एक दफा झलक जरूर दिखाएंगे, और ऐसा कबूतर ही कामयाब कबूतर होता है। बहुत कम कबूतर ऐसे होते हैं एक दफा गुम हुए ऊपर से निकले और उनके भी जाया होने के चांसेस होते हैं। जिनका पर जो है ना वो नामा पर बड़ा होगा, दसवां आठवां पर बराबर होंगे, वो कबूतर बहुत अच्छा होगा। और जोड़ों के अंदर जो मादी है, मादी की बात करो, नर के पर पे कंप्रोमाइज किया जा सकता है, जो मादी का पर है नामा पर बड़ा लगाया करे, बिल्कुल बारीक पर की परिंदे जोड़ों में ना लगाइएगा। दरमियाना पारो बहुत मोटा, मतलब चौड़ेपन की बात करो, चौड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बारीक भी नहीं चाहिए, दरमियाना पार होना चाहिए, और ये शेप होनी चाहिए। और दूसरा जो चौथा पांचवा छठा और सातवां पार होता है, ये पर चौड़े होते हैं, निस्बतन चौड़े होते हैं, और इनका चौड़ा होना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं, दरमियाना चौड़ा होना बहुत जरूरी होता है। अगर दरमियाना चौड़ा होगा तो पर के ऊपर पर चढ़ेगा, पर की परेल बनेगी, अगर बारीक पर होंगे तो पर के ऊपर पर नहीं चढ़ेगा, हवा निकलेगी, गैप होगा, कबूतर कम परवाज करेगा, चाहे जितनी मर्जी अच्छी नस्ल का होगा। दरमियाने जो अंदर के चार पर हैं वो चौड़े होते हैं, और उनका परेल जो बनती है अंदर वाले चार परों की बनती है। अब अभी जाकर अपने कबूतरों के देख लीजिएगा, चौड़े पर अंदर वाले जिन कबूतरों के वो वही अच्छे होंगे, और उसके अलावा पहला दूसरा और तीसरा पर ज्यादा चौड़े कभी भी नहीं हुए, ये ज्यादा चौड़े कभी भी नहीं हुए, दरमियाने पार होते हैं, पहला दूसरा तीसरा जो बगल के साथ होता है, और इनका बगल के नीचे जाना अशद जरूरी होता है, ताकि कबूतर की जो बगल है उसका लाख हो सके। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाए परी के ऊपर, कभी भी आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा, ये भी पॉइंट बताने लगूं। अब एक ना जो पॉइंट मैं बताने लगूं इसको मद्देनजर रखिएगा, जितना इस पॉइंट को जो मैंने अभी बताया इसको मद्देनजर रखा है, उतना ही परी वाले जो छोटी परी होती है बड़े दस परों के ऊपर, कभी एक तजर्बा कीजिएगा,
वो जो छोटी परियां है ना उनको खींच दीजिएगा 10 की 10 जो बड़े परों के ऊपर है, आपका कबूतर शाम तक उड़ता है तो 5 मिनट भी नहीं उड़ेगा। रिपीट करने लगो मैं बात, अजमा के देख लीजिएगा, मैंने तजर्बा किया हुआ है। अजमा के देखिएगा, जो छोटी परी है ना, छोटी परी उसको ऊपर से उखाड़ दीजिएगा, कबूतर 5 मिनट नहीं उड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कबूतर की परवाज के अंदर जो छोटी परी होती है उसका अमल दखल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उस परी का लंबा और चौड़ा होना बहुत जरूरी है। जो चैंपियन कबूतर होंगे ना दोस्तों, ऐसे करके हमने पर खोला तो परों में देखते क्या, हर दूसरा बंदा कबूतर को पकड़ाओ, कबूतर पकड़ के देखता है तो कहता है जी बड़ा अच्छा पर है, और भाई खाक पता चला है आपको, पर खोल के देखना पड़ता है, परी देखनी पड़ती है, उसके बाद तीली देखनी पड़ती है, पेपर देखना पड़ता है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। अब मैंने अगला पॉइंट आपको बताया कि परी जो बड़े 10 परों के ऊपर परी होती है उनको भी लाजमी चौड़ा और तकरीबन कम अज कम जो किल होते हैं ना नीचे वाले कबूतर के पर जहां पे जो है ना वो गड़े होते हैं उसे किल कहते हैं, उस किल से ऊपर परी आनी चाहिए। अच्छे कबूतर की परी भी अच्छी होती है, ठीक है। अब आ जाए तीली के ऊपर, तीली दोस्तों बारीक होनी चाहिए। अब बारीक किसे कहते हैं, नीचे से मोटी ऊपर से बारीक, अनबैलेंस हो जाएगा। कल कुछ दोस्त पूछ रहे थे बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है, कबूतर पर अच्छे हो गए लेकिन परी जो बगल परी जो है ना वो 10 परों की वो छोटी होगी, अनबैलेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर कबूतर का सारे का सारे बड़े 10 पर बड़े अच्छे और शानदार है, तीली मोटी होगी, अनबैलेंस हो गया। इसी तरह जो पेपर होता है पर का, पर बड़े अच्छे हैं, पर के ऊपर पर के चढ़ रहा है, हर चीज उसकी पूरी है लेकिन उसका माजरे चाहता हूं उसका पेपर मोटा हो गया तो कबूतर फारिग हो गया, ये अनबैलेंस होता है, इसको अनबैलेंस कहते हैं। तो पेपर भी बारीक, अगर तीली बारीक है तो पेपर भी बारीक होना चाहिए, तीली चमकदार होनी चाहिए, खुश्क डल नहीं होनी चाहिए, यह बात जेहन में रख लें। जिन कबूतरों के पर तीले बन जाते हैं वो कभी भी अच्छे कबूतर नहीं हुए, जाली के साथ पर लग के घिस जाए वो एक अलादा बात है। जिन कबूतरों के पर खुश्क होते हैं, अब खुश्क और तर कबूतर क्या होता है ये भी जरा बताएं, किसी को पता है तो अंदर मैसेज कर दे, मैं बाद में मैसेज पढ़ लेता हूं। खुश्क और तर कबूतर क्या होता है, कभी पूछा किसी दोस्त ने, किसी उस्ताद ने आप लोगों को बताया तर और खुश्क कबूतर कौन सा होता है? मम्मा पास ले जाओ, रुक जाओ, मुझे अंकल से बात करने तो मैं आपको गेम लगा देता हूँ। देखो ना अच्छी बात नहीं है ऐसे, क्या इधर 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 ही ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठो, ऐसे जानू सारा रिदम मेरा खराब करेगा, ठीक है दोस्तों। तो पेपर भी बारीक होना चाहिए। अब आ जाए बगल की तरफ बात करते हैं, शेर लाओ मैं गेम लगा दूँ, बैठो, अच्छा अच्छा लाओ मैं दोस्तों एक मिनट से एक मिनट जरा गेम नहीं पोइम लगा देता हूँ, नहीं गेम नहीं खेलने, कहाँ है गेम भला सबवे। दोस्तों एक मिनट, शहरयार साहब की फरमाइशें कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, लगा के देता हूँ ना, भी रुको ना मेरी जिंदड़ो, ये लो आ गया सबवे, चलो अब लगाओ। अच्छा दोस्तों अब बात करते हैं बगल की, बगल के भी 20 पार होते हैं, एक तरफ के पार के ऊपर भी 20 पार होते हैं। अक्सर मैं दोस्तों से पूछता हूँ कबूतर की एक साइड पे जो पार होते हैं आप कौन से देखते हैं, 10 बड़े पर, 10 बगल के पर, 20 और 10 ही जो है ना वो छोटी परियां, और 10 ही जो है ना वो बगल के ऊपर जो परियां होती हैं वो, 40 पार होते हैं कबूतर के अच्छे देखने वाले। उसके अलावा कुंदा देखा जाता है, बगल बड़ी होगी, देखो बड़े परों का काम होता है कबूतर को आसमान में ले जाना, ठीक है। उसके बाद जो कबूतर फर्ज करिए एक कबूतर को हम छोड़ते हैं वो 15 मिनट में बंद हो जाता है, बंद होने के बाद उसने अपनी एक लिमिट के ऊपर जाके, एक हद के ऊपर जाके स्टे करना होता है। जब वो कबूतर स्टे करता है तो बड़े 10 परों का काम खत्म हो जाता है, फिर उसने फ्लोट करना होता है, तैरना होता है। उसने तैरना किसके बलबोते के ऊपर होता है, बड़ी बगल के ऊपर, बगल बड़ी होगी तो आसानी के साथ वो फ्लोट कर लेगा, तैरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब एक और बात, इसकी मिसाल आपको ऐसे दे, कभी किसी इल्लड़ बाज बीरी को उड़ता देखा, बास जो इल्लड़ है उसको देखा, उसका पर मार के आसमान में वो नहीं जाता, वो फ्लोट करते ऐसे तैरते हुए ऊपर जाता है क्योंकि उनकी बगल बड़ी होती है।
और जिन कबूतरों की बगलें बड़ी होंगी वो कबूतर फ्लोट भी करेगा, और घर वापसी पे संभाल के लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत के साथ ही हम उस कबूतर को रिकवर कर लेंगे, क्योंकि वो कबूतर की ताकत कम लगी होती है, उड़ता चाहे वो 12 14 15 घंटे है, लेकिन उसने फ्लोट करना होता है, जब वो फ्लोट करता है तो उसकी ताकत रिजर्व रहती है, बची रहती है, इसलिए बड़ी बगल का होना बड़ा जरूरी है। और रुख उसका जो है ना वो आपने देखा होगा कि पूरा ऐसे टर्न करके जो है ना वो बगल जिस्म की तरफ जा रही होती है, जितनी बगल जिस्म के ऊपर जाएगी वो बड़ी हो, ठीक है। शरी ना करो यार, मुझे अंकल से बात कर लेने, रुको ना, मैं फिर आपसे गुम गायब हो जाती है ना, ये है सब वे, ठहर जाओ, चलो ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ, ये बार जनरल पर बता रहा था, अब बात करता हूँ मादा की, ठीक है। और चंद एक चीजें, अभी तो मैं आंख की तरफ गया ही नहीं, एक ही टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ पर के बड़े 10 परों के ऊपर बात किया तो आधा घंटा 45 मिनट तो वैसे ही गुजर गए। तो अब बड़ी बगल होनी चाहिए जिसम की तरफ जा रही हो, ठीक है। ये ब्रीडर कबूतरों की बात, ब्रीडर कबूतरों की बात करूं, और इसके अलावा एक बात याद रख लीजिए, अपने घरों में इस्तेमाल कर लीजिएगा इस फार्मूले को भी, जब एक जोड़ा लगाया जाता है तो मादा 3 चीजें देती हैं, आंख, रंग और पर। आंख जो है ना वो मादा से बनती है, आंख मादा से बनती है, पर अच्छे मादा से बनते हैं, ठीक है। आंख और जो रंग है वो भी मादा से बनता है, और इसके बाद पीछे कौन सा हिस्सा बचा, जिसम, जिसम सिर्फ कबूतर देता है, जिसम कबूतर देता है। हड्डी बड़ी छोटी करनी है तो वो नर से होगी, हड्डी जिसम में आ जाएगी ना, हड्डी बड़ी छोटी करनी है तो वो नर से होगी, मादा से नहीं होगी, ये बात जेन में रख लीजिएगा। फिर रिपीट करने लोगों, इन 3 चीजों को मद्देनजर जरूर रखा करें, आंख, रंग और पर मादी देती है। अपने घरों में जाकर इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो जिनके बच्चे निकले हुए हैं, जो जोड़े लगाए हुए हैं, उनके बच्चों को जाके देखिएगा, आंख, रंग और पर मादी पे जाएगा, और जो वजूद है, हड्डी है, वो नर की तरफ, यानी कि जो उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो नर देना, नर ने देना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दुम की, दोस्तों दुम किस तरह की होती है, लोग कहते हैं कि जी दुम छोटी होनी चाहिए, दुम को छोटा कैसे किया जाता है, दुम को छोटा कैसे किया जाता है, ये तो बताएं जरा। दुम छोटी के अलावा एक आज बहुत बड़ी बात बताने लगा आप लोगों को, कबूतर के जो दुम होती है, दुम के ऊपर और नीचे वाले लंगोट जितने बड़े होंगे उतनी दुम छोटी होगी। फिर रिपीट करने लगूं, कबूतर के या कबूतरी के जो दुम की बात करूं, दुम के जो लंगोट होंगे जितने बड़े होंगे उतना अच्छा कबूतर होगा, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, उसके बाद जो बचेगी वो दुम कहलाएगी। दुम छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, पर लंबे नहीं होने चाहिए उसके, दुम छोटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ कबूतरों से हटके, इल्लड़ का देख लीजिएगा, बाज का देख लीजिएगा, इनकी आसमान की बुलंदियों में उड़ने वाले ये परिंदे हैं, इनकी दुम में लंबाई में कम है, दुम छोटा होना लंबाई में कम है, लंबाई कम होगी, ठीक है। अगर बड़े बड़े परों की बात की जाए तो कवा जो है ना उसे देख ले, उसके पर कितने लंबे, टांगे कितनी लंबी, दुम सिर्फ लंबी है, जिस वजह से वो आसमान में नहीं जा सकता, ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, बड़ी दुम वाला कबूतर जाया भी होगा, खता भी करेगा, दुम का जो लंबाई है उसे कम करे। और जो दुम होती है अच्छी दुम, अच्छे ब्रीडर कबूतर की जो दुम, मैंने जितना अपने साजा कराम से सीखा या जो भी चैंपियन कबूतर देखे हैं, उन कबूतरों की जो दुम होती है वो 1.5 पत्ता दुम होती है, एक पूरा पत्ता नजर आ रहा होता है, उसके नीचे आधा नजर आ रहा होता है, अगर 2.5 है तो भी अच्छी नहीं है, 3 है तो भी अच्छी नहीं है, खुली है तो भी अच्छी नहीं है, उसके अलावा 1 पत्ता है, बाकी 1 पत्ते के नीचे सारी दुम आ गई है ना, तो वो भी दुम अच्छी नहीं है। अच्छी दुम वो है जो कबूतर जहां से दुम शुरू हो रही है वहां पे कैंची बने, ऐसे आपस में दुम को बंद कर ले, पीछे से थोड़ी सी खुल जाए और आगे से ऊपर से बिल्कुल बंद कर ले, सबसे बेहतरीन दुम जो है ना वो मियां नजीर साहब ये कहा करते थे, ये वाली है जो कैंची मारे दुम, वो बहुत अच्छी दुम होती है, ठीक है।
और दुम का दरमियान वाला जो पत्ते होते हैं दो, उन दो पत्तों के जिनके बड़े ही लंबे हों, दूसरी दुम से लंबे हों, वो कबूतर हमेशा घर के पाबंद होते हैं। अब ये बातें नर और मादा दोनों की कंबाइन बता रहा हूं। दुम पे कंप्रोमाइज नहीं करना, बगल पे कंप्रोमाइज नहीं करना। बाहर वाले परों, अच्छे बुरे परों वाले कबूतर उड़ जाते हैं, छोटी बगल वाला कबूतर नहीं उड़ेगा। उड़ेगा, जाया भी होगा और सामने उड़ेगा। बड़ी बगल वाले कबूतर लंबा भी उड़ेंगे और घर के पाबंद भी होंगे जिन कबूतरों की दुम्में छोटी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पंजों की। पंजे बारीक होने चाहिए भाई। क्यों बारीक होने चाहिए? कभी किसी उस्ताद ने उस्ताद से ये सवाल किया आप लोगों ने? कहते हैं ना दुम छोटी होनी चाहिए, क्यों छोटी होनी चाहिए भाई? बगल बड़ी होनी चाहिए, क्यों बड़ी होनी चाहिए? इसलिए बड़ी होनी चाहिए फ्लोट करता है। दुम छोटी इसलिए होनी चाहिए कबूतर को ताकत न लगानी पड़े। जो बाहर वाले पा रहे हैं वो मार के कबूतर आसमान में जाता है, 10 घंटे उड़े, 15 घंटे उड़े, या फिर वो 2 घंटे उड़े। उसने जो उड़ना होता है बाकी वो बगल के सर पे उड़ना होता है। जो दुम होती है, जब कबूतर सोचता है, माइंड सेट कर लेता है कि अब मैंने यार घर जाना है, बड़ा टाइम हो गया, मैंने बड़ा उड़ लिया, तो फिर कबूतर ने अपनी दुम के सहारे घर वापस आना होता है। इन चीजों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। और जोड़ों के अंदर खास तौर पे खुली दुम वाला कबूतर कभी भी नहीं लगाना। कबूतर लगा लीजिएगा, मादा कभी भी नहीं लगाना। मेरे पास एक मादा थी, मैंने उस पर 3 साल लगाए, ये मेरे पास अभी भी पड़ी है। इतनी को अच्छी मादा, हर चीज उसकी पूरी। मैंने कहा यार इसकी दुम बंद करनी है। मैंने उसके साथ, कोई दुनिया की ऐसी नस्ल नहीं होगी बंद दुम वाली जो मैंने उसके साथ नहीं लगाई और तजर्बा नहीं किया। मैंने बच्चे निकलवाए उसके, दुम मैंने बंद कर ली, बच्चे निकले, दुम बंद कर ली। 2-3 कबूतरों के साथ लगा के मैंने उसकी दुम बंद कर ली, दुम बंद कर ली। जब वो बंद दुम वाले कबूतरी, उस कबूतरी की जिसकी दुम खुली थी, मैंने दोबारा उन्हें जोड़ों में लगाया, तो उसके बच्चों की आगे दुमें खुल गई। इसलिए मादा हमेशा 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 बंद दुम वाली लगाया करें। ठीक है, और उसके बाद अभी आंख में कल डिस्क्राइब करूं, बाकी थोड़े थोड़े पॉइंट जो है वो आज जरूर डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। टॉपिक बहुत लंबा और लेंथी है, इंशाल्लाह कल इसी पे रहेंगे। फिर भी उसके बाद पंजे कहते हैं कि सारे सारे दोस्त कहते हैं कि पंजे जो है ना वो बारीक होने चाहिए, खुश्क होने चाहिए, जामनी कलर के होने चाहिए। भाई क्यों जामनी कलर के होने चाहिए, क्यों खुश्क होने चाहिए? कभी सोचा? इसके ऊपर भी कल बताऊंगा मैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ आता हूँ। शकलैन अब्बास साहब, सर जी सोकड़े का कुछ हल बताओ भाईजान। इन दिनों में जो सोकड़ा हो रहा है उसे ब्रूफिन और साथ में फ्लेजल सिरप दें, इंशाल्लाह फाका हो जाएगा। पानी के अंदर डाल के 2-2 ढक्कन एक दोरी के अंदर, एक बोतल के अंदर डाल दें, फाका होगा। रात को ठीक होते हैं, सुबह 2-3 मर जाते हैं। दिल अकबर साहब बताता हूँ, मुझे मेरा नंबर आपके पास है, मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें। रजा राजपूत साहब, जोड़ा लगाते टाइम पलक कितनी ज़रूरी है? इतनी ज़रूरी है जितने अच्छे पार होते हैं। अभी ये कल डिस्कस होंगी चीज़ें, आंख पूरी कल डिस्कस करूंगा। पलक बारीक होना इतनी ज़रूरी है जितने अच्छे पार, अच्छी बगल, अच्छी दुम होती है। इमरान खान साहब सलाम अलैकुम। सरफराज खान साहब, यूनस अहमद थीम साहब, गुड वर्क उस्ताद जी, थैंक यू थीम साहब। चौधरी जावेद गादी साहब, अंडे बंद मादा को गोलियां कितने दिन देनी है भाई जान? जो मैंने सीकोन और फॉलिक बताई है, जोड़ों से अलग करके मादियों में भी नहीं रखना उसको, 20 दिन देनी है। रमजान वाली साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, सर प्लीज़ 2 एबट लाइन ब्रीडिंग। ओके, कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे लाइन ब्रीडिंग पे, अभी नहीं। इमरान खान साहब, अकील अहमद भाई, हाई फ्लायर और लो फ्लायर का क्रॉस कैसा होता है और उसका जोड़ा कैसा लगता है? एक बात जहन में रख लीजिएगा, लो फ्लायर कबूतरों की बगलें छोटी होती हैं। लोग एवें डरते हैं कि हमें कसम देते थे लो फ्लायर कबूतर है, जेठ के अंदर छोटी बगल वाला कबूतर लंबा नहीं जा सकता, नहीं अच्छा क्रॉस होता। अकील अहमद भाई, नहीं अच्छा क्रॉस होता, ये कभी भी नहीं हो सकता। रजा राजपूत साहब, अच्छी तरह साफ करो भाई और फ्रेश हुआ। जिशान अशरफ भाई, टॉपिक मोहम्मद यासीन भाई वाचिंग, सलाम अलैकुम। रहीम खादजादा साहब, शर्मीले के साथ कौन सी मादी लगाई जाए भाई जान? शर्मीले कबूतर खुद क्रास में है। अब उन दोनों, अगर आपके पास शर्मीले कबूतर है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन दो कबूतरों की वजह से ये बने, तो उन्हीं ब्लड लाइन में दोबारा वापस ले जाए तो अच्छे कबूतर बनेंगे। जावेद गादी साहब, डाकू कबूतर कैसे होते हैं? अच्छे कबूतर होते हैं भाई जान। शफाक साहब सलाम अलैकुम। रमजान जट साहब जबरदस्त। सकलैन अब्बास साहब, सर जी नर के और मादी के अलहदा अलहदा बताना, इंशाल्लाह बताऊंगा कल, टॉपिक पूरा करूंगा।
इमरान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। इमरान भट्ट साहब जेलम से हमारे साथ। शफाक साहब वालेकुम सलाम। आकिब अली भाई टैडी कबूतर में बारीक लाल डोरा ठीक है भाईजान, बहुत अच्छा। मोमी बरवाना साहब इन ब्रीड और लाइन ब्रीड में क्या फ़र्क है उस्ताद जी? मोमी बरवाना साहब इन ब्रीड वो होती है कि हम उसी जोड़े के पट्टियाँ पट्ठों को आपस में लगा रहे होते हैं जिसका होता है उसे इन ब्रीड कहते हैं, और लाइन ब्रीड उसी नस्ल के किसी दूसरे कबूतर के साथ लगाने को लाइन ब्रीड कहते हैं। सैफ चौधरी साहब वालेकुम सलाम। बिलाल अहमद भाई क्या हाल है? इमरान भट्ट साहब सर जी मैंने नया खुड्डा बनाया है, अब कबूतरों को उसमें शिफ्ट कर दूं या कुछ दिन उसे सूखने दूं? आप क्या कहते हैं भाईजान? कम से कम 1.5 महीना उस खुड्डे में ना छोड़िएगा, कबूतर मर जाएंगे। धूप लगेगी बिल्कुल खुश होंगे, रंग शंग करके कली शली करके छोड़िएगा। उस्मान मलिक साहब ब्रीड बनाने के लिए मादी का क्रॉस देना चाहिए या नर का? भाईजान मादी का क्रॉस देना चाहिए। उस्मान मलिक साहब ब्रीड बनाने के लिए हो गया आपका जॉब जी। मादी अंडों पर बैठती है वो ज़्यादा बीमार हो जाती है भाईजान, जब वो मादी जो अंडों पे बैठ के बीमार हो जाए उसको, जब वो अंडों पे आए अंडा देने से पहले उसे जो है ना वो 2-3 दिन मुसलसल रात को 8 बजे के करीब जो मछली का कैप्सूल होता है वो गोली दें, ठीक हो जाएगा। शबान हमीद भाई क्या हाल है? शबान भाई मलंग लोग जी। उस्ताद जी थैंक यू माशाल्लाह। स्कलानबाद सर जी प्लीज़ आज ही, मैं उस्ताद अकरम अखी साहब कह रहे हैं कि जोड़ा लगाते वक्त पहला पॉइंट ही बता रहे हैं कि पहला पार 1 इंच बड़ा होना चाहिए। भाईजान लगा के देख लें, बगल छोटी हो जाएगी। ट्यूलिप जैसठ भाई सलाम अलैकुम। मोहम्मद यूसुफ भाई सलाम अलैकुम। शरियार भुट्टा साहब उस्ताद जी अगर 9वां और 10वां बराबर हो इसके हवाले से भी बता दे। भाईजान 10 नामा पर बड़ा होना लाजमी है। जी एम लशारी साहब नेम कितने हैं भाईजान लाहौर में? नहीं समझ आई। खालत पैदार साहब सलाम अलैकुम। चौधरी मालिक गुरु साहब भाईजान माई लव। गुरु साहब आपका मैसेज जब भी देखा मैंने। जायद बासी साहब थैंक यू। मलक नजम शहजाद अवान साहब वालेकुम सलाम। रजवान राजपूत साहब ज़बरदस्त। सुहेल खोखर साहब थैंक यू। चौधरी मुकरम साहब छा गया मेरा भाई थीम, थैंक यू मुकरम भाई। शाहजेब अली माशाल्लाह मुगल किंग पर मैं चमक ना हो वो खुश्क होता है। चौधरी मुकरम हा हा। हिमांशु पटेल उस्ताद जी को प्यार भरा सलाम। हिमांशु भाई वालेकुम। शानी शाह साहब माशाल्लाह। फैर अब्बास खान साहब सलाम अलैकुम। मोहम्मद अली भाई थैंक यू। हिमांशु भाई माशाल्लाह जी। जायद बसी साहब शहरियार साहब हाँ जी शहरियार साहब शरीर इंसान। सकलैन अब्बास साहब जिनके पर लचक वाले हों वो तार है जिनके पार नहीं भाई। आउट पंची सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्ताफ हुसैन सर सर व्हाट एप तेरी एंड खुश पर नहीं समझ आई। मलक नजम शहजाद साहब एक बेहतरीन जोड़े के मेन पॉइंट बता दें इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा कल। हाजी तसवर इकबाल रांझा साहब माशाल्लाह बहुत खूब जो थैंक यू जी। सकलैन अब्बास सर जी आप ही बताओ कुछ कबूतर की। अल्ताफ हुसैन अस्सलाम वालेकुम सर मेरे सवाल का जवाब प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। नए बच्चों को ट्रेनिंग के लिए जब उड़ाया जाता है तो वो ज़्यादा ऊपर ना जाए, इसलिए उनकी कौन से पर काटने चाहिए, बांधने चाहिए भाईजान? काटने नहीं चाहिए, हमेशा बच्चों को जो है ना वो पर बांध के जो है ना वो ट्रेनिंग दिया करे, काट के नहीं देनी चाहिए। ख्वाजा तारिक साहब कबूतर का फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? बड़ी लंबी बात हुई है, अब चलो बाकी कल करेंगे। ड्राई और तार की बात कर रहे हैं हाँ जी। कबूतर से हट लीजिएगा राना हमजा यूसुफ साहब। राना भाई अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा तारिक साहब बताएं जनाब। दिलावर संधू दिलावर साहब अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी वालेकुम सलाम। नाइस इन्फॉर्मेशन सर थैंक यू। सैयद सैयद गुलपीर साहब थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम। अली हसन अद्दालिका वट्टू भाईजान कबूतरों की शेप बनाने का तरीका मादी शेप वाली ले लीजिएगा बन जाएंगे बच्चे। दानी गोंदल साहब थैंक यू। मुनीर जुम्मन मुनीर माशाल्लाह थैंक यू। उस्मान मलिक साहब ब्रीड बनाने के लिए मादी का क्रॉस देना चाहिए। अमजद अली भाई माशाल्लाह भट्ट साहब सलाम अलैकुम। राना नवीद साहब ब्लैक कलर के होने चाहिए। हानजिया हानी सर अपना व्हाट्सएप शो करें भाईजान। हानी हानजिया भाई ये मैं अभी डाल देता हूँ। ये दोस्तों जो दोस्त व्हाट्सएप पे बात करना चाहें कोशिश किया करें मैसेज कर दें मुझे, ठीक है? मैसेज किया करें कॉल नहीं।
ये हनी भाई मैंने डाल दिया इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम चौधरी मलिक सर, थैंक यू हाजी तसव्वर इकबाल राजा साहब, माशाल्लाह आपको सदा सलामत रखे अजीज अली भाई, थैंक यू नीतीश शर्मा साहब, उस्ताद कबूतरों के पर डिंग से नहीं आते क्या करूं भाईजान, उन्हें एक दफ़ा साफ़ करें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अपना नंबर दे दिया जाहिद कुरैशी साहब, अक्रम उस्ताद जी कबूतर बुत नहीं डाल रहा भाईजान, कल इंशाल्लाह बताऊंगा, वैसे पिछली दो वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है। राजा मोहम्मद खान साहब थैंक यू जी, चौधरी जावेद गादी साहब कबूतर की वापसी का कैसे पता चलता भाईजान, पूरा कबूतर वापस वापसी के लिए होता है, कबूतर की परवाज़ भी पूरे जिस्म में होती है। अजीज़ अली भाई, आसिफ इमरान भाई, भाई ग्रीसी में बड़े बहुत हैं इसका क्या बनता है, नहीं समझ आई। अदील अकबर भाई, जो कबूतर कल बंद कर जाता है उसका क्या इलाज है, जो कबूतर कुल बंद कर, कुछ समझ नहीं आई। अली हसन अदली को बट्टू भाई, आपने बताया था कि मादी रंग पर पुर्जा देती है और मेल शेप और दुम, भाई शेप नहीं देती, जितने भी पार होते हैं वो मादी ने देने होते हैं। इधर इधर रहे ना यार, मुझे नजर तो आने देना, आप कैसे नहीं करो ना, मुझे देखने दो, अंकल के मैसेजेस तो देखने दो यार, मैसेजेस देखने दो मेरा पुत्र, इधर बैठो बस ऐसे बाबा के साथ ऐसे देखो ना। मुनीर जुम्मन साहब, मोती वाले कबूतर के साथ कौन सी लाल आंख की कोई भी मादा लगा ली। रजाक डोकर साहब, इधर बैठो ऐसे ऐसे देखो ना, अब हम दोनों बाप बेटा रहे हैं, सर जोड़ा लगाने का तरीका बता दो प्लीज, कैसा कबूतर भाईजान। अभी पॉइंट पूरे हो गए तो फिर आगे चलेंगे ना, दो वीडियो और लगेंगे। अल्ताफ सैन भाई, सर यू योर नंबर प्लीज। अल्ताफ भाई मैंने डाल दिया, देख लीजिएगा। टैडी कबूतर की आंख में थोड़ा सा लाल डोरा ठीक है, हाँ जी ठीक हो, अच्छा होता है। ख्वाजा तारिक साहब, हमने भी कुछ पूछा है भाईजान, अभी मैसेजेस सबके पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैं कल भी था तो आपके मैसेजेस के जवाब ज़्यादा दिए और आज टॉपिक पे रहा। अशफ अली भाई, सलाम अलैकुम फरहान मलिक साहब, बॉडी मेल से बनती है ये बात आपकी सही नहीं है भाईजान, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन बनती ऐसी है। आतिफ भाई सलाम अलैकुम, मोहसिन जुबैर साहब जियो मियाँ वैसा, भाई जी मेरे पास बांके हैं वो किसके साथ लगाओ, लाल आँख में लगाओ अच्छे रहेंगे। फिलहाल महमूद साहब, किस जोड़ के कबूतर नहीं उड़ते भाईजान, करख्त जोड़ का कबूतर नहीं उड़ता। तस्लीम हुसैन साहब, नदीम भाई क्या हाल है, तस्लीम साउथ अफ्रीका से जी, वालेकुम सलाम तस्लीम भाई। वाजिद अब्बासी साहब एबटाबाद से, माशाल्लाह जी। अमजद अली सलाम अलैकुम, मैं सर अमजद साहब हूँ, चश्मुसले कबूतर कौन से होते हैं, वो बड़ साहब मेरे होते हैं। राजा मोहम्मद खान साहब सलाम अलैकुम, अजीम हुसैन भाई, वाजिद अब्बासी साहब, वाजिद अब्बासी एबटाबाद से साजिद, थैंक यू सर। ख्वाजा तारिक साहब, उस्ताद जी कुछ बताएं, ख्वाजा भाई मैंने जो मैसेज पढ़े हैं उसका जवाब ज़रूर दे रहा हूँ। नितेश शर्मा साहब, कबूतर के पर ढंग से नहीं आते भाईजान, उन्हें दाना अच्छा दें अच्छे पर आएंगे। अजीज़ अली भाई, आसफ़ अली भाई सलाम अलैकुम, शफकत अली भाई थैंक यू उस्ताद जी, मैं हाफजाबाद से, सदाकत अली भाई थैंक यू जी, हाफजाबाद से तो मेरा शहर है जी माशाल्लाह। अजीम हुसैन साहब, हांजिया हानिया सलाम अलैकुम, नदीम अहमद भाई, जो जोड़ जो होते हैं वो हड्डी से ऊपर होने चाहिए, हड्डी के बराबर होने चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन सर योर नंबर, अल्ताफ़ भाई मैंने नंबर डाल दिया। रजवान राजपूत साहब, उस्ताद जी मेरे पास एक मादी है, उसके अंडों पर नज़र पड़े तो वो तोड़ देती है, उसे एक साइड पर रखो, कुछ अच्छे परिंदे ऐसे होते हैं। अजीम हुसैन भाई, रजाक डोगर साहब, सर जोड़ा लगाना सिखाओ, नर कैसा और मादी कैसी, इंशाल्लाह कल पूरा करूँगा टॉपिक, हमको भी जोड़ा लगाने का तरीका बता दो। ठीक है जी, पूछो तुसी भी, दसो आतफ साहब की पूछना जे, तुसी पूछते हैं नहीं बस मैसेज कर छड़िया करो। भाई जी मेरे पास बांके हैं किसके साथ, लाल आंख में लगाओ भाई जान। बादशाह गिल साहब थैंक यू, नितेश शर्मा साहब, कबूतर सूखे में आ गए हैं उसे क्या करूँ भाई जान, इन दिनों में जो कबूतर सूखे में आते हैं उन्हें ठंड लगी होती है और पोटे बंद होती है, फ्लेजल और ब्रूफिन के दो दो ढक्कन पानी की जो बोतल आती है उसमें डालें, इंशाल्लाह फाका होगा। अजीम हुसैन साहब थैंक यू, अमजद अली भट्ट साहब माशाल्लाह जी, दोस्तों ये मैंने नंबर डाल दिया। वाजिद अब्बासी साहब, वाजिद अब्बासी एबटाबाद से, बादशाह गुल्ली जबरदस्त जी, आसफ अली भाई अस्सलाम वालेकुम, आसफ भाई क्या हाल है आपके, ठीक है। उस्मान अली भाई, उमर फारूक खान एवन नाइस मियाँ वैसा, भाई जी बांके के साथ कौन सी लाल आंख, बादशाह गुल्ली। मुंजा हानी साहब थैंक सर, अफजल अहमद साहब आपकी वापसी का कैसे पता चलता है भाईजान, मैं वापस आ गया हूँ अफजल भाई, आज 1.5 महीने बाद दफ्तर गया हूँ, बस एक आध दिन रुकना है आपने और ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ एक आध दिन।
पिजर शिमानगर आई अंडे हो गए एक कबूतर के साथ किसी ठीक करो अंधी हो गई है। ओहो 0.5 से जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो इस्तेमाल करें, सात ऑफ्लाबिट की आधी गोली दे। हाँ जी हाँ नहीं सर, 35 वाले कबूतर के साथ कौन सा क्रॉस करूँ? लाला का आसिफ इमरान भाई यूनान में बैरी कबूतर बहुत पकड़ लेती है, उसका हल बताओ भाईजान। मैंने कल भी बताया था ये जो मोस्पिल होता है इसको दुम के दरमियान में लगा दो कभी भी नहीं पकड़ेगी, ये कौन सा अच्छा क्रॉस है? हारून हुसैन साहब, सर जी मैंने कल भी मैसेज किया था आपने जवाब नहीं दिया है, मेरे कबूतर उम्र ज़्यादा है, मादा अंडे नहीं दे रही है और कबूतर बुत नहीं डाल रहा है, मादा के साल से अंडे नहीं दे रही। भाईजान जो मादा अंडे नहीं दे रही एबिट कंपनी की ऑफ्लाबिट कह रहा हूँ सीकॉन और फॉलिक गोलियाँ इस्तेमाल करें, हर गोली का चार चार हिस्से कर लीजिएगा, सारे इकट्ठे रख लीजिएगा, दो गोलियाँ होंगी चौथा हिस्सा दोनों गोलियों में से सुबह और दोनों गोलियों में से शाम को दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नदीम भट साहब अमजद भट की भी बात सुन लो भट बाज आ जा मसद जुबैर साहब तस्लीम हुसैन साहब नदीम भाई बच्चों को रात में लगाने का तरीका भाईजान दो तीन दिन बांध के छोड़ दे इंशाल्लाह लग जाएंगे, कोई इसमें टेक्निक नहीं होती। वकार शाह साहब सलाम अलैकुम, नदीम अहमद भाई आज शहरियार मूड में हैं लगता है नींद नहीं है। हाँ जी बिल्कुल आज शहरियार मूड में है माशाल्लाह जी, राजी साहब क्या हाल है आपके। अच्छा दोस्तों कल इंशाल्लाह दोबारा 8:30 से 9 बजे के दरमियान दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, अपना टॉपिक कल कम्प्लीट करूँगा कोशिश करके। अब दीजिएगा इजाज़त फी मान अल्लाह, और जिन दोस्तों ने अभी तक जी भट साहब बोलो करना तो नुकाल थे भरजाई को वेख्या जे तुसीं तुहाडी वाट लुआना पूरी तरीके दे नाल तंग करांगा, जरा सबर करो। अच्छा दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये जो पेज है इसे लाइक नहीं किया हुआ तो काइंडली लाइक कर लीजिए, और इसके अलावा दोस्तों कबूतरबाजी के राजो रमूस यूट्यूब चैनल है वो आपका अपना चैनल है, उसे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सर चपड़े कबूतरों के साथ कौन सा क्रॉस? लाल आंक का। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त फ़ीमान अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।